फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कॉफ़ी मास्क। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी मास्क, लाल चंदन और चावल का आटा। तो आप एक क्लीन बाउल लीजिए और उसमें लगभग, और आपको चाहिए बादाम का तेल, और जिनकी ऑयली स्किन है उनको चाहिए शहद। तो आपको 1 टेबल स्पून यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लेना है, 1/2 टेबल स्पून आपको लाल चंदन लेना है और 1 टेबल स्पून आपको चावल का आटा लेना है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको इसे आलमंड ऑयल की हेल्प से एक पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो आलमंड ऑयल यूज़ ना करके हनी का यूज़ करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर आपको बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, आपको आलमंड ऑयल की हेल्प से ही इसे एक पेस्ट बनाना है, जिससे कि जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छे से टूट के मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो कॉफ़ी मास्क है ये मास्क का भी काम करेगा और स्क्रब का भी काम करेगा, और आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं। तो आपको इसे लगा के 1 मिनट तक मसाज करनी है, तो वो आपका स्क्रब का काम करेगा, और 10 मिनट तक आपको इसको अपने फेस पे रखना है तो वो आपके मास्क का काम करेगा। तो देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में हो, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको चाहिए, और शहद भी मिलाने के बाद आपको यही प्रोसेस अपनाना है। तो ये देखिए, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसमें शहद मिक्स करें और इसी तरह उन्हें मिक्स भी बहुत अच्छे से करना है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सक्रिय तत्व आपकी त्वचा को जगाए रखते हैं और त्वचा की रंगत को बढ़ाते हैं, इसीलिए त्वचा की चमक और रंगत बढ़ जाती है। कॉफ़ी को त्वचा पर इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और रूखी त्वचा अच्छी हो जाती है। इसी के साथ आप कॉफ़ी का इस्तेमाल अपने मनचाहे फल के साथ भी कर सकते हैं। इसके मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे में मौजूद कीटाणु और जीवाणु से लड़ने की शक्ति भी मिल जाती है, इसीलिए मैंने इस मास्क में कॉफ़ी का यूज। और फ्रेंड्स, चावल का आटा मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें पैरा अमीनो बेंजोनिक एसिड होता है जो सूरज की किरणों से आपकी रक्षा करता है। इसमें एलाटोइन होता है जो सूरज से जली हुई त्वचा को आराम देता है और त्वचा को ठीक करता है। यह त्वचा से अधिक तेल को दूर करता है। यह आपकी त्वचा के कोलेजन और लचीलेपन को बढ़ाता है। तो आपको 1 मिनट तक इसमें बहुत अच्छे से मसाज करनी है और फिर आपको 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत अच्छे से मसाज करिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ही लाइट हैंड से करें, बिल्कुल भी प्रेशर मत दें आप अपने स्किन पे। तो बहुत अच्छे से मसाज करिएगा तो ये आप डेली दिनचर्या में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन को ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब भी स्क्रब करिए तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ही लाइट हैंड से आप स्क्रब करें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही नाजुक हो। तो 10 मिनट रखने के बाद आप अपने फेस को वॉश करिए और आप देखिए बिफोर और आफ्टर में आपको खुद फर्क लग रहा होगा मेरे फेस पे। ये तुरंत इंस्टेंट ग्लो देता है आपकी स्किन को, बहुत अच्छे से क्लीन करता है, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से खोलता है। और इसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र, ये मेरा DIY वर्ल्ड बेस्ट लोशन लगाइए, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने